नमस्कार, जय हिंद। एग्जाम टिप्स में आप लोगों का स्वागत है। स्टैटिक जी के एक क्लास चल रही थी, क्या कवर किया जा रहा है इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे हम। और डेली का हमारा 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस? निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, बताइए? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या नाइट्रोजन? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, बी इज करेक्ट ऑप्शन। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज? बायोगैस का मुख्य घटक है हाइड्रोजन, मेथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है मेथेन। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आपको पिक्चर दिखाता हूं कि बायोगैस कैसे बनता है। ये देखिए, ये टैंक है जिसको बोलते हैं गैस कंट्रोल टैंक। इसमें गैस भरा होता है। ये गैस बनता कैसे है? जो गाय का गोबर होता है उसको इसमें डाला जाता है। डालने के बाद इसमें ये जो होता है, ये पाइप के जरिए नीचे जाता है इसमें। और ये दोनों ये बनता कैसे है? गड्ढे कर दिए जाते हैं। गड्ढे करने के बाद उसमें दीवार खड़ी की जाती है। तो तीन दीवार होती है, एक पार्ट कर ये डिवाइड करती है दो दीवार को, और छोटे छोटे ये बने होते हैं, इसको बोलते हैं पार्टीशन वॉल। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आपने गोबर डाला और उसमें पानी डाल के इसमें छोड़ दिया, तो ये गया नीचे। नीचे जाने के बाद क्या होता है, इसमें से गैस बनती है। गैस जो होता है इस टैंक में जाता है। इस टैंक में जाने के बाद यहाँ से पाइप लगा होता है जिसको गैस कंट्रोल वॉल्व बोलते हैं, और ये सीधा हमारे घरों में जाके जो गैस होता है, चूल्हा जो होता है, उसमें कनेक्ट होता है ये। तो यहाँ से ये गैस गया और यहाँ से हम इसको यूज कर लिए। अब बात आती है इसकी, ये क्या है? ये जो है आउटलेट पाइप है। मतलब क्या कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो बाकी बचे हुए हैं, अगर ये पूरा भर जाता है तो जो उसमें से निकलता है वो ऐसे इसमें बाहर आ जाता है। ओवरफ्लो टैंक बाहर निकल जाता है ऐसे। चलिए, ये रहा। और ये जो गैस बनती है इसी को बोलते हैं बायोगैस। चलिए अगला देखिए। द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज? भारत की सबसे बड़ी झील है डल लेक, वुलर लेक, चिल्का लेक या सांबर लेक? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, सबसे बड़ी झील है वुलर लेक। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। और ये है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको मीठे पानी का झील भी बोलते हैं। चलिए और बात करते हैं डल लेक की। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। चिल्का लेक कहाँ पे है? ये है हमारा कहाँ पे? उड़ीसा में। और सांबर लेक कहाँ पे है? ये है हमारा राजस्थान। चलिए, सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन, वुलर लेक, बिगेस्ट लेक इन इंडिया। द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन इन 1857 वॉज इन? 1857 में खुला पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ था? मद्रास, बनारस, कोलकाता, मुंबई? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। 1857 में खुला सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। चलिए, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रणाली का शुरुआत की? शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है अकबर। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सिम्बैक्स इज एन एनुअल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड? सिम्बैक्स भारत और किसके बीच की एक
वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है? श्रीलंका, फ्रांस, यूएसए, सिंगापुर। बताइए। सिम्बेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और किसके बीच की? बताइए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सिंगापुर। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, एक नेवल एक्सरसाइज है। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। श्रीनगर कौन से नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सतलुज, झेलम, चिनाब। करेक्ट आंसर बताइए। जो श्रीनगर है वो है झेलम नदी के किनारे। थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। सूर्य का सबसे बाहरी परत कहलाता है क्रोमोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, कोरोना या फोटोस्फेयर। आप सन का ये पिक्चर देख रहे होंगे, बताइए सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसका क्या नाम है? कोर। ये जो अंदर का होता है ये होता है कोर, और जो सबसे बाहरी होता है, उसको बोलते हैं कोरोना। कोरोना। थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। जो सबसे बाहरी होता है उसे क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? थर्ड। चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51। करेक्ट आंसर बताइए। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। करेक्ट आंसर है हमारा आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, टीपीएसपी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में शामिल नहीं है? प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, शराबबंदी, राइट टू वर्क, काम का अधिकार, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन, या राइट टू इंफॉर्मेशन। बताइए कौन सा इसमें है जो टीपीएसपी में शामिल नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो डीपीएसपी में नहीं है। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है जो 2005 में आया, 2005। चलिए। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।